हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल IBPS गाइड में। तो SBI PO के लिए बेसिक सेम प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, ये आपका डे नंबर 6 रहेगा। इससे पहले मैंने आपको डे 5 तक वैदिक मैथ प्लस सिंप्लीफिकेशन के एक वीडियो कम्प्लीट आपको कवर करवा दिए। देखिए बेसिक टॉपिक है, कुछ स्टार्टिंग तक चलेंगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन आएगा, नंबर सीरीज आएगी, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे आपका अर्थमेटिक हो गया कम्प्लीट और DI होगी, वो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन का सेट भी आ जाता ना, तो उनको 2 मिनट में भी अगर आप कर लोगे ना, तो टाइम सेविंग हो जाएगी। जैसे 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आ जाएं, तो 10 क्वेश्चन तो इन्हीं दो टॉपिक से आपके आ गए। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है, अगर आप इनको 3 से 4 मिनट तक प्रैक्टिस करके 3 से 4 मिनट तक ले आओगे, तो 15 से 16 मिनट आपके पास बचेंगे। 15 मिनट भी बच जाती है ना, तो उन 15 मिनट में अगर मिनिमम आप 15 to 17 भी करोगे ना, तो भी आप 28 के अराउंड या फिर मे बी 30 तक जा सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए यही ये टॉपिक है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन टॉपिक्स को छोटा मत समझना, सिंपल जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं पीछे सिंप्लीफिकेशन में भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे अगर सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन को आपको कवर करना है, जो 5 क्वेश्चन का सेट आता है उनको कम टाइम में करना है, तो ये चीजें आपको 100% आनी चाहिए, तभी उनको कवर कर लोगे। अगर देखिए 5 क्वेश्चन का सेट आता है सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन का, तो अगर उनको आप 3 से 4 मिनट में कर रहे हो, तो आपका उस चीज का क्या बेनिफिट है सिंप्लीफिकेशन का? वो तो एडिशन सब्सट्रैक्शन सभी कर लेंगे, चाहे 10th क्लास के बच्चों को दे दो वो भी कर लेंगे, लेकिन वो 3 से 4 मिनट को यूटिलाइज करके आपको कंप्लीटली 1 से 2 मिनट कैसे उसको करना है, वही हम चीजें मेनली फोकस करते हैं। तो उनके लिए सिंपल जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि बोर्ड मास के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं सिंपलीफिकेशन वाली वीडियो में। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। 30 तक तो आपको टेबल याद रखनी चाहिए, मिनिमम 30 तक अगर ये याद कर लोगे ना, तो देखिए बेसिक है क्वांट में, कुछ भी अगर SSC और बैंकिंग के कंपैरिजन करें ना, तो बैंक में यही डिफरेंस है, बैंक में सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। एडवांस मैथ नहीं आता, ना ही ट्रिग्नोमेट्री, ना ही ज्योमेट्री, ना ही एलजेब्रा। अगर वो आते तो कहीं ना कहीं आपके लिए डिफिकल्ट क्रिएट कर सकते थे, लेकिन सिंपल चीजें आ रही है, वो सिर्फ यही चीजें देखता है। अगर कंप्लीट क्वांट को करना है ना, तो ये बेसिक सी चीजें इनको कर लो, 30 तक टेबल और 30 तक स्क्वायर और क्यूब, ठीक है, ये याद कर लो, बस इतना ही। बाकी जो ट्रिक बताई थी वो आप थोड़ा थोड़ा मेमोराइज करते रहो, वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शंस वैल्यू, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू, जो मैंने पहले वीडियो में कवर करवाई थी, स्प्लिट मेथड, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बस इतना कर लो और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। इसके बाद इसके अलावा रेसिप्रोकल्स के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि बेसिक सी चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस को सोल्व करो, चाहे आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, कभी भी पेन पेपर का यूज मत करना, जितना ज्यादा हो सके कि माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीजें ऐसी, अगर पेन पेपर लेके बैठ जाओगे ना, तो ये चीजें ऐसी हो जाएंगी कहीं ना कहीं माइंड में कि हमें पेन पेपर की आदत पड़ जाती है, फिर हम उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो हमारा माइंड है उसकी कॉन्शियसनेस ऐसे बनाओ कि बिना पेन पेपर चीजों को सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इनकी सबसे ज्यादा ये चीजें कब इंप्लीमेंट हो सकती है, जब आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम के टाइम, ये चीजें कहीं ना कहीं, देखिए 20 मिनट का जो टाइम होता है ना, वो माइंड में स्ट्राइक ही नहीं करता कि हम उस टाइम क्या क्या करें, हम कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते हैं, प्रेशराइज फील करते हैं, इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिस कर लो अभी से, तो आपके पास सफिशियंट टाइम है। तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ही इजी लेवल के 5 क्वेश्चन कराता हूं मैं पहले आपको। तो इसको देखिए, अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्टली होता क्या है, अप्रोक्सीमेट मींस कि अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे कि आपकी 29.8 है, ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं हम 30, ठीक है, इसी तरह यानी कि उसके आसपास की कोई एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं जो इजीली डिवाइड हो जाए या फिर मल्टीप्लाई हो जाए, जैसा उस सम के अकॉर्डिंग हो। जैसे इस क्वेश्चन में है 749 डिवाइडेड बाई 51, परसेंटेज ऑफ 499 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है -166.89, ठीक है, सिंपल सा है, लेकिन देखिए अगर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस एक जैसे मिल जाते हैं, अगर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन गलत ले लो ना, तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। यहाँ पे 749 है, यहाँ पे 51% of 49, बच्चे क्या करेंगे 750 से डिवाइडेड बाई 50 कर देंगे, वो गलती मत करना, क्योंकि हमेशा बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले ब्रेकेट फिर ऑफ, ठीक है, फिर ऑफ सोल्व करना होता है, पहले मतलब हमें ये सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। BODEMS का जो फॉर्मूला होता है ना बोर्ड मास का, वो मैंने इसीलिए समझाया था आपको, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी गलती करते हैं, ऑफ है ना, तो यानी पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, पहले इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम लेके आ लेंगे एक्चुअली कंप्लीटली, इसको 750, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे 51 है, इसको हम 50 ले लेंगे, ठीक है, 50% of 499 को क्या लेंगे 500 is equal to, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, -166.89 है, इसको मैं 167 ले सकता हूँ, 167,
ठीक है। अब देखिए ओफ को सोल्व करेंगे, सिंपल सा है, ओरली कर सकते हो और ये चीजें माइंड में होनी चाहिए। 50% 500 का कितना होगा? सीधी सी बात है, इसका हाफ 250, तो मैं क्या करूंगा 750 है उसको डिवाइड बाई 250 कर दूंगा। और ये माइंड में रखना, आपको पता लगा कि इसका 50% कितना होगा, 250। आपको पता है 250 इजीली डिवाइड हो रहा है 3 से, तो आप सीधा लिखो मत 3, वैसे ही माइंड में रखो आपका आंसर यहां से 3 आएगा, ठीक है। तो 25 या 75 यानी 0 से 0, यानी कि आपकी 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 167। तो यहां माइनस का था, इधर आके प्लस में होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 170। और ये बताओ ओरली पॉसिबल नहीं है क्या? ओरली पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो सम है इतना बड़ा डिफिकल्ट हो, आपको ना आता हो, स्क्वायर हो बड़े बड़े, ऐसी चीजें देखिए इंप्लीमेंट करोगे ना तभी समझ आएंगे। चाहे मैं यहाँ पे आपको 1000 बार बोलूं ये चीजें कर लो वो कर लो, लेकिन जब तक अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे, जब क्वेश्चन सोल्व करते हो उसमें इंप्लीमेंट नहीं करोगे, चाहे कोई भी कह दे आपको, कुछ भी ऐसा जादू तो है नहीं कि आपको बार बार बताया जाए कि आप ये कर लेना ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें पॉसिबल नहीं है, चाहे आप कितनी ट्रिक बना लो कितने नोट्स बना लो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना किसी क्वेश्चंस की, तो वो हेल्प नहीं करेंगे आपकी। इसीलिए हमने एक शेड्यूल बनाया था कि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी वीडियो हम आपको कवर कराएंगे बेसिक क्लास में, उसके डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो देंगे, इस पीडीएफ देंगे, उस पीडीएफ में आपके 40 to 45 क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको एक पीडीएफ मिलेगी अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड, उस अप्रोक्सीमेशन की पीडीएफ को आप नीचे डाउनलोड करके उन क्वेश्चंस को लगाओ और मुझे बताओ अगर कोई डाउट आ रही है तो आपको, ठीक है। और जो बच्चे देखिए हम एक सुबह मॉर्निंग की क्लास होती है ना, उसमें हम एक आपके लिए होमवर्क देते हैं क्वेश्चन, उन बच्चों को समझ नहीं आ रहा, जैसे कि 5th क्वेश्चन होता है हर वीडियो में तो वो नहीं आ रहा, तो आप www.ibpsguide.com पे विजिट करके चेक चेक कर लो, एसबीआई पीओ के क्वांट पोर्शन में सारे के सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज से रिलेटेड है, परसेंटेज इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ है यहाँ पे, अगर आपको फ्रैक्शंस वैल्यू याद है तो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होगी। यहाँ पे देखिए 59% ऑफ 8599 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 60% लिख सकता हूँ ना, तो 60%, ठीक है ठीक है। परसेंटेज हटाने के लिए हमने कर दिया ये मल्टीप्लाई बाय 8599 यानी 8599, इसको 8600 लिख सकता हूँ, 8600, ठीक है प्लस। अब 37.50 को बच्चे क्या करेंगे, 38 या 40 लेके चलेंगे, वो हो जाएगा आपका गलत। अगर थोड़ी सी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू याद हो तो इसकी बता दो मेरे को कितनी होती है, 37.5 की एग्जैक्ट कोई फ्रैक्शन वैल्यू होती है अगर आपको याद हो तो, ठीक है। चलिए 12.5% की बता दीजिए कितनी होती है, 1/8, सीधी सी बात है, कितनी होती है आपकी, 1/8 होती है ना, तो इसका तो ये 3 गुना है ना, 12 36, 1/2 आपका 3 टाइम्स होता है, 1/2, ठीक है। तो यानी 37.5, तो 37.5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 की, ठीक है। मैंने इसीलिए उन एक वीडियो कंप्लीट इस चीज पे बनाई थी क्योंकि ये हर जगह यूज होते हैं, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में होते हैं, डीआई में भी आपकी हेल्प करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई बार तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे डेटा इनक्वालिटी आ जाती है जहां पे आप परसेंटेज का यूजेज मिल जाता है। न्यू पैटर्न बेस जब कराएंगे तब आपको बताएंगे क्या क्या चीजें यूजेज हो रही हैं, ठीक है। तो इनको मत स्किप करो, अभी भी टाइम है, कुछ नहीं है, 1/20 तक याद कर लो, बस इतना ही करना है, 1/20 तक कर लोगे ना आपका काम चल जाएगा। तो 37.50 है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 3/8, सीधा ही मैं 3/8 लिखूंगा, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, ये 2559 है, इसको मैं क्या करूंगा पूरा का पूरा कितना लिख लूंगा, 2560, ठीक है। ये है और ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। अगर मैं एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहा होता तो 59% को क्या मानता, 60%, मुझे पता है 60%, 60 अगर डिवाइड बाई 100 करेंगे तो यहाँ 8600 होगा, उसकी 2 जीरो कट जाएंगे, यानी ऐसे 2 जीरो कट जाएंगे। मैं क्या करता, सीधी 86 की 6 से गुणा करता और 1 जीरो लगा देता, तो जैसे 0 लगा दी और 6 से ऐसे करता, 6 6 36, 3 कैरी, 6 8 48 और 3 51 यानी 5160 प्लस। अब यही चीजें मेरे को पता है क्या 160 आएगा, ये लिख लो, अगर याद नहीं रहता ना तो ये पेपर में लिख लो बस, 3/8 गुना, यहाँ पे 2560 है, ठीक है। अब 8 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करो, 8 एकम 8, 8 3 24, कितना बचेगा 1, 8 2 16 0 यानी 32, 320 है, 320 की 3 से गुना करोगे, 32 का टेबल आता होगा आपको, 32 2 कितना होता है आपका 32, सॉरी 32 दिया कितना होता है 96 यानी 960 हो जाएगा, बस इतना ही आपको करना है। अब इनका सम कर लो, ठीक है। सम करने में भी कोई दिक्कत हो तो बताइए, देखिए 900 और 500 कितना होते हैं, 900 यहाँ पे, सॉरी यहाँ 5051 है, 5100 और 900 का सम कर दो कितने हो जाएंगे पूरे 6000, और 60 + 60 कितने होते हैं 120, तो 6120 ऐड करोगे तो 6120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ओरली सोल्व करने की कोशिश करो, जितनी ज्यादा हो सके उतना ही आपके लिए बेनिफिट लेके आएंगे, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अभी भी बताओ कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि सम है इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट तो यूज होता नहीं जो मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करूंगा, ये तो आप भी कर लोगे, मेरे को पता है आप भी कर लोगे, ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट टाइम भी देख रहा है ना वीडियो, जिन्होंने आज तक बैंकिंग की तैयारी भी नहीं की वो भी कर लेगा, लेकिन चीजें यह मैटर करती है कि आप कितने टाइम में करते हो, और परसेंटेज फ्रैक्शन स्क्वायर क्यूब ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ये चीजें आपको एग्जाम के टाइम में समझ आएंगी, जब आप 1-2 एग्जाम दे लोगे ना तब समझ आएंगी ये चीजें, क्योंकि टाइम की जो वैल्यू है ना वो वही स्टूडेंट बता सकता है जिसको 0.25
पॉइंट फाइव वन नंबर से एक नंबर से रहा हो कट ऑफ से, तो वो बता सकता है कि इन एक एक मिनट की, एक एक सेकंड्स की क्या क्या इंपोर्टेंस है। ठीक है, तो 89.89 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरा 90 लिख लेंगे, तो 90 प्लस 279 है। ठीक है, अब देखिए 279 है, इसको एज इट इज भी रख सकते थे, लेकिन हमें नेक्स्ट टर्म की भी देखनी पड़ती है, अगर डिवाइड में है ना तो डिवाइड बाई 4 है, तो यानी 280 अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा 280 डिवाइडेड बाई 4 कर दूंगा। ठीक है, 3.9 को हमने 4 ले लिया, माइनस 151, इसको एज इट इज रहने दो क्योंकि किसी से डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो 150 मत कर देना। ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट है एक्स की, क्लियर है। अब इससे करोगे 4 है, 4 7 28 70 आ जाएगा, 90 और 70 कितना होता है 160 होते हैं, 160 में से 51 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, 151 में से सॉरी 160 में से 151 गए तो 9, 9 किसकी इक्वल आ गया आपका, इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब आपको सीधी सी बताया, अगर यहाँ पे क्यूब रूट एक्स, क्यूब रूट हटानी पड़ेगी तो इधर क्यूब करनी पड़ेगी हमें, 9 की क्यूब आपको पता भी होगी, 9 निमा 81, 81 निमा 729, यानी 9 की क्यूब होती है 729। ठीक है, और अगर फिर भी कुछ समझ ना आए, क्यूब याद ना आए, तो 9 है ना, इसको 3 बार मल्टीप्लाई इसकी यूनिट डिजिट देख लो, ठीक है, तो 9 ही मिलेगी आप, तो वही आपका आंसर हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, क्लियर है। चलिए अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है जो बार बार आपको समझ ना आए, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए भी है। सबसे पहले इसको देखिए, कई बार क्या हो जाता है स्क्वायर रूट ऐसे दे देता है एग्जामिनर जानबूझ के कि स्टूडेंट फंस जाता है, ये एग्जैक्ट किसी का नहीं है स्क्वायर रूट, ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एग्जैक्ट हो, तभी मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट 30 तक तो आप याद रखो। ठीक है, एटलीस्ट 30 तक तो याद रखो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर अगर याद होंगे तो इन चीजों, इनकी वैल्यू आपको पता होगी फिर। ठीक है, 30 तक याद कर लोगे तो वो उसी के अंडर आते हैं। अब ये है अंडर रूट 530 है, ये अंडर रूट 530 किसी का एग्जैक्ट नहीं, लेकिन अंडर रूट 529 है किसी का। ठीक है, 529 है अगर आपको पता हो तो। प्लस अब ये है 290 है, यहाँ पे हो नहीं सकता, लेकिन 289 है वो है किसका है, वो भी आप सोचो किसका है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अंडर रूट 577 है, ये किसका एग्जैक्टली, ये भी किसी का नहीं है, लेकिन इससे एक कम कर दें तो है आपका 576। ये चीजें आपको माइंड में आनी चाहिए, जब जब भी इस क्वेश्चन को देखो सिर्फ माइंड से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, और ये पॉसिबल है, अगर मैं कितना भी कहूँ आपको समझ नहीं आएगी चीजें जब तक खुद इंप्लीमेंट नहीं करोगे। ये किसका होता है 529 किसका होता है, 23 का होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का होता है 576। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 23, ये किसका है अगर आपको पता हो तो, ये किसका है, तो ये 289 सबसे सिंपल है यार 17। ठीक है, प्लस ये किसका, अभी अभी जस्ट मैंने बताया आपको किसका है 24 का। ठीक है, चलिए अब देखिए 23 और 17 कितने होते हैं 40, 40 और 24 कितने होते हैं 64, तो यानी कि यहाँ पे 64 आ जाएगा, 64 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, इसका स्क्वायर है ये मत भूल जाना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किसका, या फिर एक्स मान लो तो 8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो इसको हटाने के लिए इधर करना पड़ेगा, तो 8 वैल्यू आ जाएगी, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका 8 रहेगा। बताइए अगर किसी को कोई डाउट हो। रही बात, और ऐसा कुछ नहीं है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में जो आपको समझाने लायक हो कि आपको बताया जाए, बस आप ये चीजों पे फोकस कर लो। बार बार मैं यही कहता हूँ, कंप्लीट क्वांट को अगर आपको फोकस बनाना आपका वीक है, और आपको अगर और स्पीड बढ़ानी तो स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लीकेशन, फ्रैक्शंस, वैल्यू और बेसिक फॉर्मूले ये याद कर लो बस। ज्यादा से ज्यादा डेली अगर 10 मिनट लगाओगे तो रिवाइज हो जाएंगे 10 मिनट में डेली, और ये चीज मेमोराइज रहेंगी, प्रैक्टिस सेशंस में इनका इंप्लीमेंटेशन जरूर करना। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क के लिए है। ठीक है, इसका आंसर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ, एडिशन ही तो है कि आप तो कर ही लोगे, इतना तो कर ही सकते हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो इसका आंसर तो कर ही सकते हो आप। अब देखिए दो भी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से है ना, जैसे कि अभी आपका सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हुआ है, ऐसे अप्रोक्सीमेशन है, इसमें आपकी दो वीडियो रहेंगी। ठीक है, एक में बिल्कुल ही उसके बारे में बेसिक बताएंगे कि बेसिक एक्चुअल में वो टॉपिक है क्या, जैसे कि आपका अप्रोक्सीमेशन था, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो था नहीं कि मैं आपको फॉर्मूले होते हैं या फिर कुछ और चीजें होती है वो बताता, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझाता, वो भी नहीं है। ठीक है, प्लस दूसरी बात, यहाँ पे एक बेसिक के 5 क्वेश्चन आपको कवर करवा देंगे जैसे आ जाए। इसमें मैंने आपको कुछ टिप्स बताई थी कि अगर आपको अप्रोक्सीमेशन कवर अप करना है कंप्लीटली, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, और 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए बेसिक के। अब मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट की एक और वीडियो आएगी। ठीक है, इसी तरह आपके दो वीडियो सेशन रहेंगे किसी टॉपिक से। ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन तो थोड़ा ईजी लग रहा है, इसीलिए आप सोच रहे होगी कि इनको दो टॉपिक में क्यों इंक्लूड किया, लेकिन बाकी जो टॉपिक है जैसे परसेंटेज, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक ऐसे हैं जो दो दो वीडियोस में भी कवर हो जाएंगे, बल्कि होंगे भी नहीं, उसके लिए ज्यादा वीडियो चाहेंगे। डीआई है, उनको भी अच्छे से करेंगे, लेकिन ये बेसिक टॉपिक समझ लो एक बार। ठीक है, और इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, और पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लो या फिर उसको देख के कंप्लीट 40 से 45 क्वेश्चन का सेट है उसको लगाओ। ठीक है, उसको लगाओ और अपनी स्पीड बताओ, ये नहीं कि उनको 40-45 को एक या दो घंटे में सोल्व कर लो, कम से कम टाइम में लगाने की कोशिश करो, उस पीडीएफ को डाउनलोड करो, डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हो तो डेस्कटॉप पे, पीसी पे जहां भी यूज कर रहे हो। ठीक है, और आपका फोन है आपके पास, टाइम से टाइमर लगा के उसमें सोल्व करो कि कितने देर में कर रहे हो।
ठीक है, कोई बात नहीं, टाइमर लगाने की आदत डालो। अगर बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी टाइमर लगा लो, ताकि आपको एक माइंड बना रहे। अगर बुक से एक ही घंटे में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। वो तो हर कोई कर सकता है। अगर 60 मिनट का एग्जाम है ना, आपको 2 या 3 घंटे दे दें तो आपको हर कोई कर लेगा उन 100 क्वेश्चन को इजिली, ठीक है। तो टाइमर ऐसा लगाओ, अगर बुक से भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइमर लगा के चलो, चाहे आप कुछ भी हो चाहे नहीं आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड सेट ये हो जाता है कि हमारे पास टाइमर चल रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में जितनी भी डाउट है वो बता दीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके पास हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। उसके पास में लगे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है आपके पास। और जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उनमें शेयर जरूर करिए, क्योंकि अभी बेसिक ही चल रहा है हमारा। जब अर्थमेटिक कवर होगा ना, तो एकदम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि अभी तो कुछ चल नहीं रहा, सिंप्लीफिकेशन हुआ, अप्रोक्सीमेशन हुआ, वैदिक मैथ हुआ है। जब अर्थमेटिक आएगा ना, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, हर एक टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ करेंगे। फिर इसका एक और पैटर्न है, जब कोई भी टॉपिक है, जैसे परसेंटेज हो गया, परसेंटेज को हमने 2 वीडियो में उसका कवर कर लिया, टाइप ऑफ क्वेश्चंस मॉडरेट इजी डिफिकल्ट के, एक फिर डेटा सफिशिएंसी के साथ करेंगे, एक डीआई कर लेंगे कंप्लीटली उसी पे बेस्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पैटर्न रहेगा जब अर्थमेटिक स्टार्ट होगा, तो क्योंकि वो आपको कंप्लीट हेल्प कर देगा समझने में कि डेटा सफिशियंसी पूछ ले तो भी कर सकते हो, डीआई पूछ ले तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसी सेशन को यहीं